संस्कृत uh, में हीलिंग को कहते हैं इश्कृति मैंने काफी सारे लोगों से बात करी और बात करने के बाद जो है मुझे ये पता चला कि हीलिंग जो है उसके 45 टर्म्स है अब हीलिंग के 45 टर्म्स नहीं है विद सिनोनियम्स के तौर पर देर आर नो टर्म्स प्रेजेंट इन इन आर प्रेजेंट सिस्टम बट जब मैंने संस्कृत में इसको टे, टेस्ट करा तो संस्कृत में फोर्टी फाइव टर्म्स मिली मुझे हीलिंग के अगेंस्ट उसमें से एक टर्म थी इश्कृति इश्कृति जो है उसको कहते हैं इच्छा से क्रिएशन करना तो <laughs> उसमें भी खास तौर पे वो षटकोण के शाक का प्रयोग था तो मैंने ऐसी क्यूरियोसिटी के तौर पे एक एक मोडालिटी को देखा तो वहां पर देवर अप्रोक्सीमेटली फोर्टी फाइव मोडालिटीज जो कि हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करते थे एंड वर्ल्ड ओवर जितनी भी आप मोडालिटीज देखते हैं वो हमारे पूरे पार्ट में से कहीं ना कहीं वो पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहां से हमने स्टडी करना शुरू करा कि एक मोडलिटी को दूसरी मोडालिटी कनेक्ट कैसे करती है तो वहां से मैंने स्टैंडर्ड पॉइंट्स निकालने शुरू करे कि किस जगह क्या क्या चीजें स्टैंडर्ड है तो मुझे पता चला कि चक्रा जो है वो सब जगह स्टैंडर्ड है और जैसी वो चक्रा एनर्जी जो है वो सब जगह स्टैंडर्ड है तो अब एनर्जी को हमारे यहाँ क्या कहते हैं एंड दे डिस्कशन गोट स्टार्टेड तो हमारे यहाँ हीलिंग और इस पूरे प्रोसेस को आयुर्वेद के अंदर एक सब सब्जेक्ट कहलाता है दैव व्यपाश्रय जो कि मंत्र चिकित्सा का बेसिस था एंड गॉट स्टार्टेड और मैंने उस पर एक रिसर्च पेपर लिखा था तो वो रिसर्च पेपर पे हम लोग विल डिस्कस टाइम। तो अभी मैं बेसिकली कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ उसमें एक पार्ट है हम लोग लेवल्स ऑफ हीलर्स में बात करते हैं तो हीलर बनता कौन है हीलर वो व्यक्ति बनता है जिसको कोई ना कोई पेन पॉइंट होता है और उस पेन का सॉल्यूशन नहीं मिलता जब उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो सॉल्यूशन को सीख करता है और उस सॉल्यूशन को सीख करने के बाद उसका पेन रिजोल्व होता है इस रिजोल्व करने के प्रोसेस में वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम से कनेक्ट होता है जो वो नॉर्मली नहीं देखता और उस ट्रेडिशनल सिस्टम को वो प्रेजेंट सिस्टम से कंपेयर करता है उस कंपैरिजन के बाद वो अपनी मेथोडोलॉजी बनाता है उस मेथोडोलॉजी के बाद लोगों से डिबेट करता है फिर कुछ लोग उस डिबेट से सेटिस्फाई हो जाते हैं और फिर वो उनको एजुकेट करना शुरू कर देते हैं दैट्स हाउ हिज जर्नी ऑफ बिकमिंग अ हीलर स्टार्ट्स ये मैंने स्टैंडर्ड प्रैक्टिस देखी मतलब जितने भी लोगों को मिला कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसकी लाइफ में कोई पेन नहीं था और वो हीलर बन गया नो नो आई डेंट फाइंड अ सिंगल पर्सन मैं मेरा पॉइंट समझा पाया यहाँ पे यस सर हाँ जी तो मेरे गुरु जी कहते थे साधु जो है तीन प्रकार से बनता है पेट से चपेट से लपेट से पेट से मतलब भूखा मर रहा था क्या करूं बोले चलो साधु बन जाते हैं चपेट से मतलब जो क्या कहते हैं महामारी फैली सारे लोग जो है उस महामारी में मर गए वो अकेला ही बचा क्या करें बोले चलो बच्चा साधु ही बन जाते हैं और तीसरे वो होते हैं जो किसी गुरु जी के साथ रोज घूमते रहे घूमते घूमते एक दिन गुरु जी ने बोला बेटा बांध ले लंगोटी तू भी बन जा साधु तो वो भी साधु बन गया तो इस तरह से साधु तीन प्रकार से लोग बनते हैं पेट से चपेट से लपेट से तो मेरे गुरु जी ये कहते थे कि जो व्यक्ति ना पेट से ना चपेट से ना लपेट से तीनों तरीके के बियॉन्ड जाकर अगर कोई व्यक्ति साधु बनता है तो वो सच्चा साधु होता है मैं क्या पॉइंट हाईलाइट कर पाया अपना सर इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करिए दोबारा बता दीजिए एक बार तो आप लोग ना अपना माइक्रोफोन फिर ऑफ मत करो क्योंकि वो ब्लैंक रहता है ना मुझे पता भी नहीं चलता कि कहां पर से वो करना है तो मैंने बोला तो तो साधु तीन पार्ट में बनता है पेट से चपेट से या लपेट से इसका मतलब क्या हुआ सर पेट से मतलब हुआ कि या तो उसको लाइक हंगर है भूख है एक आदमी भूखा मर रहा था उसके पास खाने के लिए भी पैसे वगैरह नहीं थे तो वो कहा जाएगा वो वहां पर जाएगा जहां पर वो मांगने के लिए उसको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए तो मंदिर के बाहर बैठ गया वहां पर उसको मिल गया या किसी आश्रम में जैसे आप हरिद्वार जाइए आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं ना तो एक होता है भिकारी और एक होता है भिकारी भी साधु जैसे कपड़े पहने हुए व्यक्ति खाना मांग रहा है तो ऐसे करके तो ये पहली कैटेगरी होगी कि भूखा मर रहा था क्या करो बोले चलो साधु बन जाते हैं वो हो गया भूख से पेट से दूसरा होता है चपेट से मतलब महामारी फैली कोविड में घर परिवार के सारे लोग मर गए ऐसी पहले चेचक वगैरह फैलती थी प्लेग फैलता था उसमें लोगों के पूरे पूरे परिवार खत्म हो जाते थे अब, तो अब परिवार में सभी लोग मर गए छह जनों का परिवार था सडनली जो है सारे जने मर गए आदमी पागल सा हो जाता है कि कोई भी नहीं बचा पूरे घर परिवार का क्या करे चलो साधु बन जाते हैं ठीक है तीसरा पार्ट हो गया जब कोई व्यक्ति किसी साधु के साथ घूमता फिरता रहता है घूमते 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 उसने शादी करी नहीं तो बोले क्या करे बोले चलो बच्चा तुम भी लंगोटी बांध लो और बन जाओ साधु इसको कहते हैं लपेट से किसी के लपेटे में आ गए तो आप जितने भी जगह देखते हैं समझते हैं आपको साधु ये तीन प्रकार से बनते हुए मिलते हैं बट एक्चुअल साधु वो होता है जो मन से ईश्वर की खोज करने निकलता है जिसको ईश्वर के प्रति क्यूरियोसिटी होती है वो असली साधु होता है ठीक है तो वो ये बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो है, ये जो हीलर्स हैं, अपने पेन पॉइंट की वजह से चलते हैं फाइनली वो उस पेन पॉइंट के बाद एक कॉमर्शियल एंगल उसमें से निकाल लेते हैं एंड दे कंटिन्यू नोबडी एंटर्स द रियल फॉर लर्निंग ट्रू सेल्फ मैं मेरा पॉइंट हाईलाइट कर पाया हाँ जी ईश्वर की जान ईश्वर को जानने की इच्छा वो कहीं पर भी नहीं होती है बट एक बार अगर आप ईश्वर को जानने की इच्छा के हिसाब से अपने आप को ड्राइव करते हो तो सारी की सारी चीजें अपने आप ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो जाती है मैं पॉइंट हाईलाइट कर पाया यस हाँ जी पहले कोई डाउट था तो अब लेकिन लेकिन, वो? लेकिन हमने तो शुरुआत की हमने तो यही किया कि खुद को जानने के उससे क्योंकि मैंने जो शुरू किया था तो बेसिकली वो लपेट कह सकते जी ने बोला बहुत अच्छा सिस्टम है इससे बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलती है और होती है तो इस वजह से उसको जानना शुरू किया बट सही मायने में अब तो आप लपेटे उस में आ चुके हैं और और गुरु गुरु मिलना और एक गुरु मिलना वो एक एक वास्तविक वो कोई, हाँ। अच्छा कोई खराब होता है तो आपको जो उस लाइन ऑफ एक्शन पे लगा दे जो आपका ओरिजिनल पर्पज ऑफ लाइफ है दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड मैं हाँ। पहली बार मेरे गुरुजी के पास नौ साल की या दस साल की एज में डैडी लेकर गए थे मुझे पहली बार हम लोग माउंट आबू घूमने गए थे एक आश्रम में गए वहां हम जानते थे वहां कोई साधु बाबा है बहुत अच्छे हैं तो हम वहां पर एट्टीज में अर्ली एटीज में एट्टी वन एट्टी टू की बात है तो तब गए और वो बड़ी प्लीजिंग सी पर्सनैलिटी लगे फिर डैडी ने धीरे धीरे वहां रेगुलर जाना शुरू कर दिया देन इट बिकेम अ प्रैक्टिस हमने हर साल फिक्स कर लिया कि हम इस टाइम पे जाएंगे जाएंगे एक दिन डैडी ने दीक्षा ले ली फिर बाद में हमने भी ले ली बाद मैं में भी पता चला कि वो तो स्पिरिचुअली बहुत ही एक्टिव व्यक्ति हैं तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई तो मैंने जब उनको देखता था अपने गुरुजी को तो मैं देखता था जब भी ये व्यक्ति मेरे घर में आता है चारों तरफ से लोग दौड़ दौड़ के आ जाते हैं इनसे मिलने के लिए तो ऐसा इस व्यक्ति के पास में क्या है तो मैंने देखा उनके बोलने की तरीका बहुत अलग था उनका पहनने उठने का तरीका बहुत अलग था और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उनके पास हर चीज का सोल्यूशन था तो मेरे को सबसे ज्यादा इस पार्ट ने अपील करा कि अगर मैं गुरुजी के जैसा बनना है मुझे तो मुझे बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे गुरुजी जी ऑन एन एवरेज चार घंटे रोज पढ़ते थे और जब वो हमें मिले थे तब उनकी सत्तर अस्सी साल की आयु थी तो तब तक ऑलरेडी उनके एक लाख घंटे की तो पढ़ाई हो चुकी थी तो मैं कहता था जो व्यक्ति ने एक लाख घंटे की पढ़ाई कर रखी ऑब्वियसली उसकी नॉलेज तो बहुत जबरदस्त होगी बिल्कुल इंटेलेक्चुअल बॉडी थे स्पिरिचुअल मेडिटेट करते थे तो दिमाग में बहुत शुद्ध ख्याल रहते थे तो बाकी सारी चीजें जो काम की नहीं होती थी उसको वो तुरंत हटा देते थे तो उनकी जो जर्नी थी उनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो उन्होंने हमारे साथ शेयर करे और तीस चालीस साल लगे कि आज मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं सो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम बट मैंने क्या चीज अट्रैक्ट करी अपनी तरफ वो मेरा ही पर्सनैलिटी वाला पार्ट है बट उन्होंने जो चीज मेरे को बताई समझाई मेरे कौन कौन से क्वेश्चंस को आंसर करा एंड ही लेट डाउन फाउंडेशन ऑफ बीज मंत्र और जब मैंने बीज मंत्र के ऊपर काम करना शुरू करा तो मुझे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले तो इसी पार्ट को लेकर थोड़ा आगे बढ़ते फिर हमने प्रोग्राम डिजाइन करा और इसके लेवल्स बना दिए एल वन इस तरीके से और अभी हमारा जो कोशिश है वो ये है कि हम इसको जो यूनिवर्सिटीज वगैरह है उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर ले जाकर एक अपना तीन साल का चार साल का करिकुलम ही करा दें सो दैट स्पिरिचुअलिटी के अंदर डिग्री प्रोग्राम हम शुरू करवा सके दैट्स हाउ वी आर वर्किंग फॉर तो इसलिए हम सारी मोडलिटीज और एक्टिविटीज को उस एस्पेक्ट पे लेकर आ रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति को टोटल सॉल्यूशन के लिए एक मैजिक बैंड मिल गया कि आप क्या क्या चीजें रिजोल्व कर सकते हो तो मैंने जैसे अभी कल या परसों का मेरा मैसेज है जो किसी एक आस्पेक्ट पे मैं देख रहा था तो सबने बोला कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैंने कहा सॉल्व भगवान करेगा मैं भगवान कैसे करेगा भगवान के पास ऐसा क्या है जो उसको भगवान कहते हैं सडनली मैं ढूंढ रहा था तो वो छह एलिमेंट्स मेरे को मिले मेरे पास एक दुर्गा सप्शती का कलेक्शन है तो उसमें एक जगह वो छह एलिमेंट्स लिखे हुए थे तो मैंने कहा यही तो चाहिए मुझे तो मैंने कहा मुझे अगर भगवान बनना है या किसी को भी भगवान बनना है तो उसके पास में ये छ पावर्स होनी चाहिए तो अभी छह पावर्स कैसे आएंगी तो मैंने कहा सबके बीज मंत्र सबको बता दो आप लगातार वो बीज मंत्र लिखते रहो जो जो एलिमेंट आपको लगता है आपके अंदर नहीं है वो जागना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में आप सभी भगवान हो जाओगे क्योंकि सोल एलिमेंट तो सबके अंदर ही कॉमन है तो ऐसे करके मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड बैठा हुआ था एंड सडनली आई फेल्ट वेरी एनर्जाइज जस्ट बाई थॉट इट सेल्फ क्योंकि हमारे को बचपन से सिखाया जाता है कि आप सारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते तो मैंने कहा नहीं हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अप्रोच होती है और वो अप्रोच क्या होती है पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम से लेकर चलते हैं फिर बड़ी प्रॉब्लम को रिजोल्व करेंगे तो जब हम छोटी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं वो क्वेश्चन हमारी लाइफ चेंज कर देता है मैं हाँ, मेरा पॉइंट हाँ, हाँ, समझा पाया हाँ, जी हाँ, हाँ, example, हाँ, मैंने बोला किसी घर में जो है आ, ऐसा सिचुएशन है कि दो भाइयों के बीच में रिलेशनशिप स्मूथ नहीं है ठीक है तो हाँ, कैसे उस रिलेशनशिप को स्मूथ करा जाए अब वहां पर जो है एक घर है उसके बीच में पार्टीशन हो गया दो लोग लड़ रहे हैं अब वो दो जनों के बीच में जो है वो डिफरेंसेस हो गए जबकि रियल ब्रदर्स थे या रियल सिस्टर्स थी डिफरेंसेस हो गए यू कैन टेक इन एनी ऑफ दिस सिचुएशन तो क्या चीज है तो दो जनों को डिफ्रेंशिएट करिए ये क्वेश्चन आया कि तो वो ही चीज तो दीवार बन रही है ना तो वो दीवार तोड़ देते हैं बट इस क्वेश्चन के आते है कि क्या चीज एक दूसरे के बीच में अटक रही है बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं पर्सनैलिटी के बारे में वहां पे ईगो होती है वहां पर जो है लैक ऑफ लव होता है वहां पर कोई एक ऐसा इवेंट है जिसमें बैड मेमोरी जुड़ी हुई है मैं बचपन में जब छोटा था तूने ऐसे करके मेरे कंपास चुबा दिया था मुझे इतना दर्द हुआ था मैं तेरे को जरूर एक दफे चोट पहुंचाऊंगा तो वो धीरे धीरे जो है वो बच्चे के अंदर एक इमोशन सर आपकी आवाज थी हाँ। कॉल आ गया सर तो। हेलो आवाज आ रही है अभी हाँ जी ठीक हाँ है तो तो जब मैंने ये वाले पार्ट को देखा तो मुझे पता चला कि पर्सनालिटी में बहुत सारी चीजें होती हैं अब मैं वही पार्ट ठीक कर सकता हूँ मतलब मेरी नोन डोमेन के अंदर जितनी चीजें हैं तो मैंने कहा मैं अपनी नॉन डोमेन में तो मैं जानता ही सिर्फ इतना सा हूं तो मुझे अपनी डोमेन को एक्सपैंड करना पड़ेगा और उसमें से चीजें निकालकर मुझे अपनी नोन डोमेन में डालनी पड़ेगी तो मैं बहुत सारी चीजें पढ़ रहा था पर मुझे कहीं भी कुछ कंप्लीट नहीं मिला फिर मुझे फाइनली दुर्गा सप्शती मिली और दुर्गा सप्शती के अंदर मुझे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने शुरू हुए जब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिले तो मुझे पता चला कि एक बीज मंत्र है जो एक तरीके का ट्रम कार्ड है मतलब जहां कुछ नहीं चलता वहां पे बीज मंत्र चलता है दूसरी चीज क्या थी मुझे पता चला कि एक आत्मा होती है आत्मा की डेफिनेशन सब जगह अलग अलग है, लग -लग है। तो मैंने इस प्रकार से अब ये स्क्रीन दिख रही है आपको हां अब इस स्क्रीन को अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे यहां एक कैम करके सब्जेक्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंड मेडिसिन मेडिसिन उसका मतलब ये होता है कि एलोपैथी के अलावा हर वो चीज जो किसी भी व्यक्ति को ठीक करती है उसको पांच पार्ट में बांटा गया पहला पार्ट था माइंड बॉडी इंटरवेंशन होल मेडिकल सिस्टम

आसन लगाने से ही जो है उनका बीमारी चली जाती है कुछ को प्राणायाम करने से चली जाती है बीमारियां तो हर वो चीज जो रोगों को दूर भगाए और आयु को मजबूत करे okay. तो माइंड बॉडी इंटरवेंशन कौन कौन से माने गए मेडिटेशन किसी भी तरीके का हिप्नोसिस या योगा इसको माइंड बॉडी इंटरवेंशन बोला गया होल मेडिकल सिस्टम में आयुर्वेद होम्योपैथी नेचुरोपैथी यूनानी ऐसे करके

आप कोई भी चीज को मैनिपुलेट करते हो ना मैनिपुलेशन कैसे बोलू मैं चीजों को इस्तेमाल करने का तरीका जैसे कोई चीज जो है आपके पास में एक ताला है वो ताला दरवाजे के पीछे लग रहा है और एक उसमें चाबी डाल ली है और उसमें सिर्फ एक छोटी सी कटिंग है अब उसमें चाबी सीधे डालने उल्टे डालने आपको नहीं पता तो आप मैनिपुलेट करोगे ना अपने हाथ को हाँ जी हां जी। तो कुछ भी तो, करके अपने पर्पस को अचीव करना मैनिपुलेशन कहलाता है पर्पस को अचीव करना ऑब्स्ट्रक्शन को मिनिमाइज करना ये मैनिपुलेशन हो गया हो गया है जी एक्सपेरिमेंट करने जैसा हो गया एक्सपेरिमेंट करने हो गया कि अरे जिस बोलते भी ना लोग अरे उसको मत देखो वो तो ही मैनिपुलेट सो वेल एवरीथिंग वो पता ही नहीं चलता है कि वो किसको ज्यादा प्यार करता है वो हर चीज को मैनिपुलेट कर ही लेता है इज हैप्पी विद दैट पर्सन। तो ऐसे करके हम टर्मोलॉजीज यूज करते हैं तो ये मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन के लिए होता है और ये मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस जो है इनको हम एक जगह गिर लेते हैं कि हीलिंग के अंदर जो है एंकरिंग और क्या क्या होता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम टर्म कहते हैं कि इस इस तरीके की टर्म्स को यूज करके जो है व्यक्ति को आप अपनी सिचुएशन में से एक प्रॉब्लम में से निकल कर बाहर आ जाते हैं मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं हाँ जी थोड़ा थोड़ा ओके <laughs> okay, तो मैं इसको इस तरह से बोलता हूं कि पूरी दुनिया में बीमारियां है बीमारी क्यों है क्योंकि समस्याएं है समस्या कितने प्रकार की है तो बोलिए जी समस्या पांच प्रकार की है तो ये वो पांच प्रकार हुए ठीक है किसी को पैसे की समस्या है किसी के बच्चा नहीं है किसी की शादी नहीं हो रही किसी के पास मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ऐसे करके आप जितनी भी तरीके की टोटल समस्याएं हैं वो इन पांच बकेट्स में जाती हैं इन पांच बकेट्स में जाने के बाद अगर आपने बोला कि मैं अपनी चिकित्सा कराना चाहता हूं तो कंप्लीट पद्धति कौन सी है बोले जी एक आयुर्वेद की है एक होम्योपैथी की है एक नेचुरोपैथी है एक एक चाइनीज प्रोसेस है एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वगैरह ये इनको तो कहा गया होल मेडिकल सिस्टम फिर बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिस है जिनको जैसे पेट में दर्द हुआ तो भाई एक काम करो थोड़ा सा जो है वो ले लो क्या कहते हैं हींग ले लो किसी को जॉन्डिस वगैरह हो रहा है तो क्या करो थोड़ा सा जीरा खा लो ये सारे के सारे क्या हो गए हर्बल प्रोडक्ट्स हो गए हम्म हाँ, हम्म हाँ, हाँ. ताकत की कमी हो रही है अश्वगंधा चूर्ण ले लो सो so, ये क्या हो गए हर्बल प्रोडक्ट्स हो गए फिर एक नई चीज आई जिसको प्रोबायोटिक्स कहते हैं बच्चे जैसे वो योगर्ट वगैरह जो खाते हैं हाँ, उसको हाँ, प्रोबायोटिक्स कैटेगरी हाँ. कहते हैं और अब क्या हो गया कोविड में बोलोग इम्यूनिटी कमजोर क्यों गई बोले विटामिन तो विटामिन खाना शुरू कर दो तो हम हाँ. बचपन में सक्सी और विटामिन सी की गोली खा लेते थे और वो सब होता था तो ये सारी की सारी कैटेगरी कहलाती है बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिस फिर okay. आप देखते हैं कि जो हमारे साथ में प्रणिक हीलर हैं या क्वांटम हीलर हैं अपना श्वेता जी तो ऐसे करके अलग अलग तरीके के जो हीलर्स हैं उनकी जो हीलिंग अप्रोच है उसको एनर्जी हीलिंग कहते हैं ये ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो ये मानती है कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी है वो एनर्जी ही है ठीक okay. है और ये सिर्फ एक मान्यता है ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट पार्ट है उसी तरह से लास्ट पार्ट आ गया जो नहीं सेकंड लास्ट पार्ट हो गया माइंड बॉडी इंटरवेंशन अपने शरीर और मन के साथ में क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं। तो हम ध्यान लगा सकते हैं किसी को सम्मोहित कर सकते हैं या योगा की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं तो ये माइंड बॉडी इंटरवेंशन होती है तो इन माइंड बॉडी इंटरवेंशन को ये फोर्थ पार्ट हो गया फिफ्थ पार्ट हो गया किसी भी तरह से मैनिपुलेट करना मतलब कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है फैक्ट्री में एक प्रॉब्लम हो गई अब मैं उस प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व करूं उसके लिए वो व्यक्ति जो उस फैक्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ उस व्यक्ति को ठीक करना है अब उस व्यक्ति को कैसे मैं ठीक करूं मैंने उसको जो है कुछ चीजों में उसके उसके दर्द हो रहा था तो मैंने सिर्फ उसकी गर्दन को मसाज करा हल्का सा गर्दन को मसाज करा मसाज करने का तो उसकी गैस रिलीज हुई और गैस रिलीज होने के बाद वो फिर बिल्कुल ठीक हो गया नॉर्मल हो गया तो मैंने ना तो उसको कोई दवाई दी ना मैंने उसको कोई मेडिटेशन कराया ना मैंने उसको खाने के लिए कोई हर्बल प्रोडक्ट दिया ना मैंने उसकी हीलिंग करी लेकिन फिर भी तो मैंने उसको ठीक कर दिया ना नहीं। 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 तो वो ठीक करने के पार्ट को हम कहते हैं मसाज तो इसी तरीके के ये चीरोप्रैक्टिक होती है ना, होती है। अब इसके बाद जो एक लास्ट लेवल बचता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है जो किसी भी तरीके की समस्या को सॉल्व कर देता है बिना कुछ करे तो मैंने कहा कि मैंने कहा इन्होंने ये पूरा जो कैम का प्लीथोरा बनाया है इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स को इसमें बांट दिया हर एक के इंटरलिंकेज बना दिया पर ये पांचों आपस में कैसे जुड़ते हैं मैं तो सोच सकता हूँ ना कुछ भी सोच सकता हूँ ना हा, हा, हा। कोई सोचने पे बाउंडेशन तो नहीं है तो मैंने कहा ऐसा क्या है जो इन पांचों को बांध सकता है तो मैंने सबसे पहले बोला कि हर एक चीज शरीर के ऊपर हो रही है और हमारे शरीर को दूसरे शरीर से अगर कोई बांध रहा है तो वो हमारी आत्मा बांध रही है और आत्मा की भाषा जो है उसको मैं बीज मंत्र बोलता हूँ तो मैंने ऐसे करके आत्मा और बीज मंत्र को कोर सेंटर पॉइंट बना दिया उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं हर प्रोसेस को जोड़ सकता हूं एंड यहां से मेरी जर्नी शुरू हुई मैं मेरा पॉइंट समझा पाया हां जी श्वेता जी मैं मेरा पॉइंट समझा पाया जी सर कोई क्वेश्चन नहीं अभी नहीं सर अभी थोड़ा उसको अब्सॉर्ब करने दीजिए ओके ठीक है तो ये एक ब्रीफ बैकग्राउंड हो गया पूरी कहानी का ठीक और आगे बढ़ते हैं अब यहां से एक क्वेश्चन जो आया वो ये आया कि ये जो कैम जो था इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी मतलब एलोपैथी जो थी वो एलोपैथी के अलावा भी बहुत सारी थी एलोपैथी देखो मेन बात क्या है एलोपैथी का जन्म हुआ 1850 के बाद 1850 से पहले लोग सिर्फ मरते थे प्लेग से मर गए जे से मर गए और कौन कौन सी बीमारियां होती है मतलब ज्यादातर बीमारियों से व्यक्ति मर जाता था पोलियो हो गया हाथ पैर टेढ़ हो गए कोई सॉल्यूशन नहीं है ऐसे करके पहले लोग मरते थे कितने पहले अभी सौ साल पहले मतलब 1920 से पहले अगर हम ले लें तो ऐसे करके लोग मरते थे जैसे कि अब की बार आपने कोविड में लोगों को मरते हुए देखा पूरी दुनिया में ऐसे लोग सौ साल पहले प्लेग से मर जाते थे है जैसे मर जाते थे पूरे पूरे गांव के गांव खत्म हो जाते थे ऐसे इन्फेक्शन आते थे और ये कहा भी जाता है कि हर सौ साल के अंदर कोई एक इन्फेक्शन ऐसा आता है जो आबादी को एडजस्ट कर देता है ठीक है तो पहले क्या था सब जगह आयुर्वेद था पूरी दुनिया में आयुर्वेदी चीन में गया आयुर्वेद अमेरिका गया आयुर्वेद सब जगह गया इस तरह से था तो जब आयुर्वेद यूरोप में गया तो वो यूनानी पद्धति बन गई जब आयुर्वेद जो है उससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस को बनाया गया तो फिर वो यूनानी पद्धति ने भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया और होम्योपैथी बन गया फिर आयुर्वेद जो है जब चीन में गया तो वहां पे वो अप्रोचेस बन गई इस प्रकार से पूरी दुनिया में एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो प्रक्रिया थी वो पूरी दुनिया में अलग अलग पार्ट में पहुंची लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया के राजा अंग्रेज थे तो और सारे कॉन्टिनेंट्स में अंग्रेज ही थे तो उन्होंने किसी भी पद्धति को एक्सेप्ट नहीं करा बोले कि जो कुछ भी है आप है उसे छोड़ दीजिए और सिर्फ एलोपैथी पर स्टिक करिए बट वो एलोपैथी जो थी उसको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं था ये किसके यहां से आवाज आ रही है म्यूट कर लीजिए प्लीज मेरे को दिख भी नहीं रहा तो जब ये वाला पार्ट हुआ तो मुझे पता चला कि इस अप्रोच में क्या क्या चीजें अगली बीमारियों के तौर पे सॉल्यूशन की वजह से एक पैथी आगे आई फॉर एग्जाम्पल रेकी क्यों आई क्योंकि दुनिया में इंसॉमिया की बीमारी थी नेचुरोपैथी कब आई लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था अल्सर्स थे ऐसे करके ये सारी की सारी पैथी एक दूसरे से जुड़कर सॉल्यूशन देने लग गई डेफनेस अर्थराइटिस बैकपेन इनकॉन्टिनेस बाईपोलर डिसऑर्डर फटीग फाइब्रोमाइलजिया पीटीएसडी कैंसर इस तरह से ये तमाम बीमारी थे कैंसर का तो आज भी कोई सोल्यूशन नहीं है बट फाइटोथेरेपी और इस तरीके की स्टेम सेल थेरेपी ये इस तरीके की अलग अलग थेरेपीज आ रही है, जो दीरे दीरे हैं जो धीरे धीरे कह रही है कि हम थोड़े थोड़े सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में जब एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता तो नए सब्जेक्ट्स को मौका दिया जाता है जब तक उसी सब्जेक्ट के अंदर सॉल्यूशन आ रहे हैं, तब तक वो आगे कोई व्यक्ति नहीं देखेगा तो ये दुनिया भर में जितनी भी मोडेलिटीज आप देख रहे हैं इन मोडेलिटीज का बेसिस कहाँ से आया इन मोडेलिटीज का बेसिस आया उन बीमारियों से तो अगर इसको मैं कहूं कि किसी भी व्यक्ति को अगर नींद ना आने की परेशानी हो गई तो नींद आज नहीं आ रही तो क्या करना है? नींद की गोली खा लीजिए पर नींद की गोली खाने के बाद भी अगर नींद नहीं आई फिर क्या होगा तो आपको रेकी करनी पड़ेगी और आयुर्वेद सम... में आयुर्वेद में हमारे पास में इतने सा, सारे ही तरह के इलाज थे तो एलोपैथी की जरूरत क्यों पड़ी मैडम एलोपैथी आपको किसने बताई अंग्रेजों ने अंग्रेज जिस समय इस दुनिया पर राज करने आए ये जर्नी तब शुरू हुई है हमारे यहां की प्रॉब्लम नहीं आई कभी भी अंग्रेजों को इंसोमिया की प्रॉब्लम आई तो उन्होंने समाधान करा और रेकी को एक्सेप्ट करा अमेरिका में पहली बार ये ज्यादातर चीजें अमेरिका से आई है हमारी स्टडी को बाहर ले जाकर चेंज करके वापस दूसरे फॉर्म में आ गया हमारी स्टडी बाहर पहले से ही थी उसको एक्नोलेजमेंट दिया गया ऐसा नहीं okay. है कि मतलब हमारी मतलब हमारे देश में क्या होता था एक राजसूय यज्ञ होता था राजसूय यज्ञ में एक घोड़ा होता था जो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था जी। उस घोड़े के पीछे पूरी सेना चलती थी और वो सेना जो है हर उस व्यक्ति से युद्ध करती थी जो उस घोड़े को पकड़ता था तो उतनी तेज स्पीड के घोड़े को पकड़ने वाला व्यक्ति भी शक्तिशाली होगा तो दो शक्तिशाली लोग आपस में अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध करते थे जब वो युद्ध करते थे जो जीतता था उसका सिस्टम दूसरा देश एक्सेप्ट कर लेता था ओके। okay. तो आज से पांच हजार साल पहले श्री कृष्ण का टाइम था तो श्री कृष्ण के टाइम पे राजसूय यज्ञ हुए थे उससे पहले उससे आठ लाख साल पहले रामचंद्र जी का टाइम था तो तब भी रात तब भी हुआ था। ठीक है मैं मेरठ में रहता हूँ मेरठ में हस्तिनापुर आता है हस्तिनापुर में जो है ये इनकी राजधानी थी पांडवों की ठीक है ये बराबर में कुरुक्षेत्र है मेरे तो वहाँ कुरुक्षेत्र तक वो लोग जो है रोज सुबह भीष्म पितामा से कहानी सुनने जाते थे तो हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र दो सौ किलोमीटर दूर है पर वो सुबह जाते थे कहानी सुनते थे और सुबह ही वापस आ जाते थे तो उसके मतलब उनके पास कौन सी स्पीड के घोड़े होंगे या रथ होंगे हाँ, हाँ, तो हम क्योंकि कोरिलेट नहीं करते ना तो ये चीजें पे हमारा ध्यान नहीं जाता तो हमारे यहाँ वो सिस्टम था जो इतनी ट्रांसफॉर्मेशन करता था मैं मेरा पॉइंट समझा पाया हाँ जी हाँ जी थीके. तो इस तरीके से पूरी दुनिया ने अलग अलग पैथीज को एक्सेप्ट करा पैथीज पहले भी ओरिजिन बाय ओरिजिन आयुर्वेद से निकली थी आज भी वो ओरिजिनली आयुर्वेद से ही निकली है कोई भी पैथी नॉन आयुर्वेद ओरिजिन की नहीं है बट मैकोले के टाइम पर इनकी सबकी डेफिनेशंस गड़बड़ कर दी गई ये पार्ट इसके तौर पर होता अब इस पर बाद में जाएंगे पहले इस पार्ट को ही एक दफे क्लोज कर देते हैं तो जब मैंने इस तरह से स्टडी करा तो मैंने बोला कैम में लिखा था होल मेडिकल सिस्टम जिसमें चाइनीज आयुर्वेदा होम्योपैथी नेचुरोपैथी आता था जो मैंने न्यू कैम डिफाइन करा जिसमें कि आत्मा और और बीज मंत्र को को जोड़ दिया दिया माइंड माइंड बॉडी बॉडी सोल बना दिया, तो वहां से मेरी मंत्र चिकित्सा सिस्टम शुरू हुआ मैंने वाइटल फोर्स को एक्नोलेज करा बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिस या एनर्जी एज मेडिसिन को मैंने इंफॉर्मेशन एनर्जी मैटर मेडिसिन बना दिया मॉडल्स को मर्ज होना शुरू हो गया मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिस को माइंड बॉडी इंटरवेंशन की बजाय माइंड बॉडी और सोल इंटरवेंशन कर दिया मतलब एक ऐसा सिस्टम जो एक दूसरे में मर्ज हो जाता है तो मुझे और आपको कौन बांट रहा है हमें दोनों को कोई चीज बांट रही है हाँ जी मुझे आवाज नहीं आ रही धन्जी। लेकिन हमारे को अमेरिका से कौन सी क्या चीज बांट रही है सॉरी क्या कह रहे हैं सर इसको और क्लियर करिए ना ये समझ में नहीं आया ये वाला स्लाइड चलिए अब मैं बिना स्लाइड ये, के... ये वाली जो तो स्लाइड है ना मिसिंग लिंक्स वाली एफेक्ट्स और बीच जो आपने बोला कि इंटीग्रेटेड फॉर्म वो नहीं समझ में आया एंड का जो अभी लास्ट आपने बताया हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जब ये इंटरवेंशन को स्टडी करा तो उन इंटरवेंशन में मैंने एक सबसे पहले तो मिसिंग लिंक को ढूंढना शुरू करूंगा ना मैं उस पूरी स्लाइड को आप कहीं भी देखिए आपको कहीं भी सोल नहीं मिलेगा लिखा हुआ हाँ ठीक अब सोल का मतलब क्या है गॉड ब्लेस यू सॉरी सोल का मतलब आत्मा सोल का मतलब आत्मा नहीं होता है सोल इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में आत्मा कहते हैं लेकिन हाँ। अगर आप डेफिनेशन वाइज देखेंगे तो आत्मा की डेफिनेशन और सोल की डेफिनेशन फर्क है ओके okay. ये हमें पता नहीं होता जब हम वर्ड मीनिंग की डोमेन में जाते हैं तब तो हमें ये पता नहीं होता uh -huh. और उसी तरीके से जब सोल को हम न्यूरो साइंस में पढ़ते हैं तो सोल इज ए फसेट ऑफ माइंड फसेट ऑफ माइंड का मतलब क्या हो गया ये हमारे ब्रेन का ही एक स्पेशल पार्ट है तो जब मैंने ये सारे के सारे मोडीज को स्टडी करा तो मुझे पता चला कि ये लोग आत्मा की तो बात ही नहीं कर रहे पूरी कहानी में क्या आयुर्वेद बिना आत्मा के है तो मेरे को जवाब मिला कि अगर आयुर्वेद जो है जिसको ये एक्सेप्ट करते हैं वो बिना आत्मा के होता तो आयु जैसी टर्म ही नहीं होती क्योंकि आयु का मतलब ही जर्नी है कि कितनी देर आत्मा एक शरीर के अंदर रहती है उतनी देर उस व्यक्ति की आयु बोली जाती है मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? थोड़ा थोड़ा हां जी तो आयुर्वेद आयु पे आधारित है और आयु किसकी है सोल की किस स... मतलब सोल आयु किसको कहेंगे टाइम ड्यूरेशन को कितनी देर आत्मा एक शरीर के अंदर रही उतनी देर उसने फाइव एलिमेंट फाइव सेंसेस इन सबको होल्ड कर लिया आत्मा शरीर छोड़ के गई उसके बाद उसने फाइव एलिमेंट फाइव सेंसेस को छोड़ दिया, दिया। तो थोड़ी देर बाद वो डिकम्पोज होनी शुरू हो गई बॉडी आपने कहा खराब हो रहा इन्फेक्शन पहले का तो आपने या तो जमीन में दबा दिया या फिर आपने उसको जला दिया जला के जो राख बची वो राख उठाई अस्थियां उठाई और आपने गंगा जी में प्रोवाइड कर दी वहां वो भी डिजोल्व हो गई एंड दैट्स हाउ आपने एक फाइव एलिमेंट से बनी हुई बॉडी को डिकम्पोज करा तो so, ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ही हो गया ना जिसको कि हम अंत्येष्टि कर्म कहते हैं ठीक है सो so, यहां से जब हमने एक सिस्टम को देखा तो हमें पता चला कि आयुर्वेद तो आत्मा पे आधारित है बट क्या ट्रेडिशनल चाइनीज विजडम या नेचुरोपैथी या जो बाकी पैथीज लिखी हुई है उस ब्लॉक के अंदर तो क्या वो उस प्रोसेस में आती है तो वहां पर मुझे पता चला कि हमने जिसको एक बकेट में डाला है वो बकेट स्टैंडर्ड नहीं है चाइनीज प्राइमरली एथिस्ट कंट्री है एथिस्ट कहते हैं नास्तिक को वो भगवान की एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं, नहीं है. है तो उनकी जो ट्रेडिशनल चाइनीज विजडम है उसको हम उस बकेट में कैसे डाल सकते हैं अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है भारती जी मुझे ये बताइए कि एक सेब और एक केला क्या हुआ फ्रूट, सेब और केला दो मतलब fruit. दो फ्रूट दो फ्रूट तो आपने जोड़ा कब जब आपने दोनों की कॉमन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करा right. तभी आप जोड़ पाए ना तो जोड़ने के लिए कॉमन एलिमेंट समझना बहुत जरूरी है अगर आपने वो कॉमन एलिमेंट इग्नोर कर दिया तो वो दो ही रहेंगे एक नहीं हो सकते भारती जी और आप और मैं हम दोनों एक ही आत्मा से निकले हैं तो हम दोनों भाई बहन हो गए ठीक <coughs> है ना तो हमने जब अपने आप को आत्मा माना तो हम शरीर बन गए मतलब तो हम दो की बजाय एक हो गए बट अगर हम अपने आप को आत्मा ना मानकर ऋषि की संतान मानते हैं तो हम गोत्र हो गए एक ही गोत्र के अगर हम एक गोत्र के ना होकर दो अलग अलग गोत्र के हैं तो फिर वो एक अलग पार्ट हो गया तो हम जिस पैरामीटर के ऊपर फोकस करते हैं उस पैरामीटर से रिलेटेड ही स्टोरी लाइन शुरू हो जाती है ठीक है तो हमारे यहां जो कुछ भी था उसमें वो पैरामीटर ढूंढने की बात थी अब वो जब पैरामीटर की बात आई तो आपको वो पूरा ढूंढना पड़ा तो मैंने सबसे पहले जब आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे अब मैं नहीं जाऊंगा स्लाइड पे मैं सिर्फ वैसे ही बताता रहूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे गए तो वहां पे प्रश्नोपनिषद लिखा हुआ है हाँ। इस प्रश्नोपनिषद में छह सात पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैंने उसमें हाईलाइट कर रखे हैं हमारे वेद है पुराण है उपनिषद है ऐसे करके तीन ब्रॉडर कैटेगरी हम मानते हैं और वैसे अगर देखें तो वेद के साथ साथ तंत्र भी आता है बट अभी इसको छोड़ के हम वेद पुराण और उपनिषद ये तीन चीजें होती हैं हमारी ठीक है जो हमारी ये तीन चीजें हैं उसको जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है उपनिषद के अंदर क्वेश्चन और आंसर दे रखे हैं कुछ ऋषि हैं जो एक ऋषि के पास जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं उसको प्रश्न उपनिषद कहते हैं तो प्रश्न उपनिषद प्राइमरली प्राण के ऊपर आधारित है तो मैंने जब सारी मॉडेलिटीज को स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कि रेकी में एक कुंडलिनी शक्ति का डिस्क्रिप्शन है और प्राणिक में एक एनर्जी प्रोसेस या ऑरा जैसा सब्जेक्ट है ठीक है तो दोबारा रिपीट करना रेकी में कुंडलिनी शक्ति है ठीक है जो हम सबको जोड़ती है और प्राणिक में जो प्राणिक हीलिंग होती है उसमें प्राण शक्ति है जो हम सबको जोड़ती है तो दो में फर्क सिर्फ इतना ही है बस इससे ज्यादा नहीं है सर एक कुंडलिनी शक्ति, शक्ति तो शक्ति को, हाँ बोलिए 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 प्राण शक्ति तो मींस हमारे जो वैसे प्राण शक्ति हम अपनी उसको बोलते हैं ना ब्रीदिंग सिस्टम जो कनेक्ट हो रहा है उसको एब्सोल्युटली तो, हाँ और जो कुंडलिनी शक्ति है वो हमारे डीप रूटेड में मतलब हमारे मूलाधार में छुपी हुई है एक तरफ है ना अब ये तो कहानी हो गई अभी इस कहानी को छोड़ देते हैं ये तो वो है जो हमारे को बचपन से सिखाया बताया गया है हमने कभी एक्सप्लोर नहीं करा हमने कभी ये नहीं कहा कुंडली होती नहीं है जी अब बताओ क्या है प्रव करो कि कुंडली नहीं होती है या नहीं होती तो फिर वहां से क्वेश्चन शुरू होंगे उसी तरह से प्राणिक मतलब हम तो सांस लेते हैं उससे प्राण होता है तो इस तरीके की जब कहानियां थी तो मैंने कहा कि भाई पहले तो प्राण उत्पन्न कैसे होता है मुझे ये बताओ अब मेरे पास एक उपनिषद था उस उपनिषद को मैंने पढ़ा उसमें प्राण की पूरी डिस्क्रिप्शन थी मैंने वो पढ़ी पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे वहां पर कुछ नहीं समझ में आया मैंने उसको एक तरफ को छोड़ दिया अब मैंने जितने भी लोग प्राणायाम करवाने वाले थे उन सब से पूछा तो मेरे एक फादर के फ्रेंड थे उनसे मैंने पूछा कि भाई ये प्राणायाम क्या होता है तो बोले हम एक्सरसाइज करते हैं आसन लगाते हैं और ये होता है वो होता है मैंने कहा जी प्राण उत्पन्न कैसे होता है बोले भाई ये तो नहीं पता मैंने कहा अच्छा तो मैंने कहा मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा फिर से ढूंढना पड़ेगा तो मैंने फिर से प्रश्न उपनिषद पढ़ा प्रश्न उपनिषद में कहीं भी वो कहानी नहीं लिखी थी तो मैंने फिर जाकर ध्यान से देखा तो मैंने क्या बोला पहला पार्ट मेडिटेशन करके मैं क्या बोलता हूं मेरी सांस नाक से नाभि तक नाभि से नाक तक जब ट्रैवल करती है तो प्राणों की उत्पत्ति होती है प्राणों की उत्पत्ति कौन करता है आत्मा करती है आत्मा कहा है मैं अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचूंगा नाक के पीछे और दोनों कानों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है उसको मैंने सोल सीट बोला और सोल सीट पर कौन रहे बैठेगा आत्मा बैठेगी तो मैंने वहां से एक कहानी बनाई सबसे पहले कि भाई मुझे नहीं पता मैंने ऑब्जर्व करा कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो आदमी तो वहीं पड़ा रहता है लेकिन उसके शरीर में से आत्मा निकल जाती है और जब आत्मा निकल जाती है तो हम उसे मरा मान लेते हैं बट आत्मा हमारे शरीर में रहती कहां पर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आत्मा हमारे शरीर में कहा रहती है तो मैंने उस पार्ट को आइडेंटिफाई करा और मैंने इस पार्ट को बोला कि भाई गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठेगा कंट्रोल सीट पर मतलब ड्राइविंग सीट ड्राइविंग से वो गाड़ी को कंट्रोल कर पाए हाँ तो अब क्योंकि भारती जी ने कोर्स कर लिया तो उन्हें क्वेश्चन का आंसर पता था तो उन्होंने कहा

तो मैंने हर चीज को अपनी आदत बनाया कि मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैंने बोला ड्राइवर जो है गाड़ी में कहा बैठेगा तो सबने कहा ड्राइवर सीट पे तो मैंने फिर से क्वेश्चन ना ड्राइवर सीट कौन सी होती है आप क्या जवाब दोगे इस बात का फ्रंट सीट जहां से गाड़ी कंट्रोल होती है जहां सारे कंट्रोल्स है एग्जैक्टली exactly. तो फ्रंट सीट पे हिंदुस्तान के अंदर राइट हैंड साइड पर ड्राइवर बैठेगा अमेरिका में होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर ड्राइवर बैठेगा ठीक है और अगर ड्रोन वाली कार आ जाए तो फिर ड्राइवर कहां से चलाएगा ठीक है ना तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आया कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं था कि किस पर बैठ के चलाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कहां पर बैठ के चलाएगा जिस जगह कंट्रोल होंगे सारे कंट्रोल कहां पर है तो मैंने एक जोग्राफिकल लोकेशन देखी जिसको मैंने कोट करा सोल सीट वो एक ऐसी हड्डी थी हमारे खोपड़ी के अंदर उस हड्डी के ऊपर ब्रेन के पांच पार्ट टिके हुए थे उस हड्डी के नीचे मेरा पूरा बैकबोन था उस बैकबोन से मेरे सारे बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड थे ठीक okay. है। तो मैंने अपने ध्यान को उस उस सोल सोल सीट सीट रखा। अब का मतलब जोग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहा हूँ हो सकता है हड्डी किसी के लेफ्ट में से रख सकती है किसी के राइट right में से रख सकती है कुछ के हो सकता है कि वो हड्डी जो है वो बहुत ही बारीक हो कुछ की बहुत मोटी हो सकती है ये हमारी सबकी फिजिकल फर्क हो गए बट हमारी इस एजम्स पे कि जहां पर भी सारे कंट्रोल मौजूद है अब नाक के पीछे नाक के पीछे मतलब मेरी सांस कहाँ आ रही है नाक के पीछे से ही आ रही है मुंह मुंह के पीछे कुछ नहीं है लेकिन मुंह के अंदर जाके और तालू के ऊपर तालू होता है ना तो तालू के ऊपर तो ऐसे करके मैं उस पॉइंट को धीरे धीरे लोकेट कर सकता हूं कि हाँ जहां पे मैं टू दैलेट to मैंने जहां जीप टच करी ऊपर पैलेट में जिस जगह मुझे मैक्सिमम सेंसेशन आ रहा है मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर आप टंग को ऊपर लेकर जाओगे टंग को टच करोगे उत्तेजना से आएगी पूरे शरीर के अंदर ओके okay. वो पॉइंट के ठीक ऊपर मेरी सोल सीट है ओके okay. तो वो मैंने पॉइंट उसमें पीपीटी में, में डिस्क्राइब कर रखा है उसको थ्री डायमेंशनल मैपिंग करके मैंने वो पॉइंट उस पीपीटी के अंदर दिखा रखा है ये पॉइंट इधर से लाइन खींचे इधर से लाइन खींचे इस जगह पूरा थ्री व्यू दे रखा है उस पीपीटी के अंदर तो मैंने फिर वो पॉइंट को आइडेंटिफाई करा और उस सोल से अब मुझे पता चल गया कि ये खाली कुर्सी जो है यही ड्राइवर सीट है यही सोल सीट है तो जो सोल सीट है उस पर ही तो ड्राइवर बैठेगा तो मैंने पहली एजम्शन ये लगाई कि ये ड्रोन कार नहीं है ये एक फिजिकल माइंड और बॉडी है इसके इस पॉइंट पर सोल सीट बैठेगी क्लियर ठीक है इस सोल सीट पे मैंने उस सोल को एज्यूम मैंने बोला कि मेरी लाइफ में जितनी भी चीजें हैं जो परपीचुअल है उसका कॉज आप ही हो अब मेरे पूरे प्रोसेस में मेरी ओरिजिनल शेप कैसी थी एक स्पर्म के जैसी थी शेप मैं उस स्पर्म की शेप से ग्रो करके पूरी बॉडी बन गया वो पूरी बॉडी जो है उसमें सौ ट्रिलियन सेल थे right. तो वो जो ट्रिलियन सेल थे ये इतना बड़ा रिप्रोडक्शन हुआ रिप्रोडक्शन पे जो एनर्जी थी तो टोटल एनर्जी उसको दी किसने तो मैंने कहा ये सोल सीट ने या उस सोल ने उस एनर्जी को दिया है ये सोल तब भी थी जब मैं एक स्पर्म के लेवल पे था ये सोल तब भी है जब ये पूरी बड़ी सौ ट्रिलियन सेल्स की ह्यूमन बॉडी बन गई right. ऐसी कोई स्टेट नहीं थी जबकि वो अच्छा उसके अलावा मेरे शरीर में जो सेल्स का रिप्रोडक्शन हो रहा था उसका मतलब क्या होता है जो नॉर्मल सेल थे वो नॉर्मल सेल बना रहे थे जो ब्लड सेल्स थे वो ब्लड सेल बना रहे थे जो न्यूरॉन्स थे वो न्यूरॉन्स बना रहे थे मेरी माथे पे जो स्किन है और जो मेरी आईब्रोज की स्किन है उसने अपने आप को इंटरचेंज नहीं करा राइट right. आईब्रोज की स्किन माथे पे नहीं चली गई माथे की स्किन आईब्रोज पे नहीं आ गई Right. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी ये सिंगल सेल से हुई थी तो हर सेल के अंदर इंफॉर्मेशन थी थी तो ये इंफॉर्मेशन किसने प्रोग्राम करी इफ ईच सेल इज प्रोग्राम तो किसी ने ये इंफॉर्मेशन उसमें प्रोग्राम करी और बिल्कुन? वो इंफॉर्मेशन अपने तरीके से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी हाँ। यहां से मेरा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि वी आर समथिंग मच मोर डिफरेंट देन इंफॉर्मेशन एनर्जी और मैटर और तीनों पुट टुगेदर राइट एक अनोन एलिमेंट है हमारे यहाँ उसको अगर मैं अनोन ही मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए तो आई बिकम मोर इजियर और वो अनोन बकेट को मैं नोन की डोमेन तक जाने की कोशिश करता रहूं और धीरे धीरे yeah. मेरे अंदर पावर्स बढ़ती जाएगी ठीक है क्योंकि मेरा एक्सपोजर या कनेक्ट जो है वो उस अनोन डोमेन से हो रहा है ठीक है टाइम हो गया एक बज गया ब्रेक करना है अभी चलना है और नहीं अभी कर सकते हैं सर फिर भारती जी आपको मुझे वन थर्टी तक कर लेते हैं ठीक है ठीक है तो हम क्या करेंगे श्वेता जी डेढ़ बजे क्लास को खत्म कर लेंगे और उसके बाद जो है हम पंद्रह बीस मिनट अपना वाला डिस्कशन कर लेंगे ठीक है सर ठीक है जी 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 बिल्कुल तो मैं इस वाले पॉइंट को पूरा कर देता हूँ फिर हम इस वाले डिस्कशन को बाकी कल करेंगे प्रश्न उपनिषद वाला पार्ट जो हम कल टेकअप करेंगे आज हम सिर्फ इस वाले पार्ट को कंक्लूड कर देते हैं तो हमने सबसे पहले एक ऐसी डोमेन को टच करा जिसको हम आत्मा की डोमेन कहते थे उस आत्मा और उस बीज मंत्र को कनेक्ट करके हाय उस आत्मा और बीज मंत्र की डोमेन को कनेक्ट करके ये पूरा का पूरा का प्रोसेस प्रोसेस ट्रांसफॉर्म हो गया इस प्रोसेस के ट्रांसफॉर्मेशन को हमने पांच पार्ट में स्टडी करा और उस पांच पार्ट से हमें सारे जगह के कनेक्शन साफ साफ दिखने लग गए हमने सिर्फ क्वेश्चनिंग एबिलिटी को ट्रिगर करा और उस क्वेश्चनिंग एबिलिटी से हमें पता चला कि ये आत्मा जो है हमारे सेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम को कंट्रोल करती है इस से कनेक्ट होने के बाद हम पूरे बॉडी के सारे सिस्टम को एनर्जाइज कर सकते हैं और इस सिस्टम को एनर्जाइज करने के बाद हमारे को बीमारियों से मुक्ति मिलती है अब बीमारियों से मुक्ति नहीं मिलेगी या मिलेगी इसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए तो ऐसा मानिए कि जैसे हमारे घर में एक बड़ा वोल्टेज स्टेबलाइजर है जो प्रॉपर करंट को प्रोड्यूस कर रहा है और उस करंट के प्रोडक्शन की वजह से सारे जितने भी गैजेट्स है जो इस घर के अंदर है एसी हो गया पंखे हो गए कंप्यूटर हो गया इन्वर्टर हो गया वो सब कुछ ठीक चल रहे हैं बट सडनली वोल्टेज बहुत तेज हो गई या बहुत लो हो गई तो सारे बॉडी पार्ट जो है वो खराब होने शुरू हो गए जितने भी गैजेट्स हैं वो खराब होने शुरू हो गए क्यों क्योंकि लो वोल्टेज पे चल रहे थे तो यहां से हमें पता चला कि ये करंट की डोमेन को हम कैसे इम्प्रोवाइज करें अब बाहर तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं लेकिन शरीर के भीतर के करंट को हम क्या कहते हैं तो वो शरीर के भीतर जो करंट था जो पूरी बॉडी को रेगुलेट करता था उसको प्राण कहते थे प्राण कौन क्रिएट करता था प्राण एक अननोन डोमेन है जिसको सोल ने क्रिएट करा तो मैं पूरे प्रोसेस में अननोन टर्म को बार बार लेकर चलूंगा ठीक है क्योंकि उससे जो है ईश्वर की सत्ता पता चलती है कि किस जगह हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन जब हम उसी प्रोसेस को यूज करते फॉर एग्जाम्पल जब मैं सांस लेता हूं नाक से नाभी तक नाभी से नाक तक तो मुझे पता चलता है कि मेरे भीतर प्राण जनरेट हो गए शुरू हो गए बट उसी जगह जब मैं उस सांस को नाक से नाभि तक ना लेके सिर्फ चेस्ट लेवल तक लेता हूं तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है मेरी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है तो मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक हेल्दी व्यक्ति को देखा तो मुझे पता चला बीमार व्यक्ति नाभि तक सांस नहीं लेता और हेल्दी व्यक्ति सांस नाभि तक लेकर जाता है अब बीमार और हेल्दी की परिभाषा कैसे देखी मैंने मैंने ऐसे देखा एक छोटा बच्चा जो न्यूली बॉर्न होता है उसको सोते हुए देखा तो जब वो सांस भीतर लेता था जब सांस बाहर छोड़ता था तो उसका पेट नीचे जाता था जब सांस भीतर लेता था तो उसका पेट ऊपर जाता था तो ऐसे करके वो पेट का फूलना और पिचकना जो है उससे मुझे पता चला कि ब्रीदिंग जो है वो नाभि तक कनेक्टेड होती है क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है उसको कोई टेंशन नहीं है उसकी कोई एंग्जाइटी नहीं है कोई डिप्रेशन नहीं है तो छोटा बच्चा जो ब्रीदिंग कर रहा है वो बहुत पावरफुल ब्रीदिंग कर रहा है वो प्रेगनेंसी के अंदर जब था प्रेगनेंट सिचुएशन में तब भी वो ब्रीदिंग कर रहा था और उसकी बॉडी बड़ी होती जा रही थी क्यों क्योंकि शरीर के अंदर प्राण बढ़ते जा रहे थे और जब वो डिलीवरी के बाद बाहर निकला बाहर निकलने के बाद भी उसके अंदर प्राण का कंटेंट बढ़ रहा था तो उसकी हड्डियां बढ़ रही थी लेकिन उसकी एनर्जी नहीं घट रही थी उसको पेन नहीं हो रहा था अब थोड़ी देर आप इमेजिन करो कि अगर मैं आपकी हाइट को दो इंच बढ़ा दूँ तो आपके सारे बॉडी पार्ट को खींचना पड़ेगा उतना खींचना पड़ेगा कि आपकी हाइट दो इंच बढ़ जाए उतना पेन आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आपके दांत निकलने हैं तो वो बच्चा जो है उसको दस्त होते हैं बुखार होता है सब कुछ होता है क्यों क्योंकि उसके दांत निकल रहे हैं पर अगर मैं आपको इस एज में बोलूं आपके दांत निकल आए तो कितना भयानक पेन होगा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बट वो प्राण जब बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है तो हमें पेन पता ही नहीं चलता उसी तरह से छोटे बच्चे को पेन नहीं पता चलता जस्ट बिकॉज उसकी बॉडी में प्राण बढ़ रहे हैं मैं मेरा पॉइंट समझा पाया yes. तो मैंने देखा कि पॉइंट प्राण क्रिएट कहां से होता है बोले प्राण नाभि पे क्रिएट होता है तो जब मैं सांस नाक से नाभि तक लूंगा और फिर सांस वापस नाक तक जाएगी तो सांस को कॉन्शियसली नाभि तक लेकर जाना ये मेरा एफर्ट हो गया उस एफर्ट को के बाद प्राण क्रिएट हुआ प्राण क्रिएट हुआ तो बॉडी को उसने ऑटोमेटिकली रेगुलेट कर दिया ठीक है जी जी क्लियर तो यहीं पर ही अपनी क्लास को करते हैं कल हम प्राण के बारे में प्रश्न उपनिषद ने क्या कहा और उससे जो मॉडल बनता है वो उसको कल करेंगे सर इन जनरल हमारी क्यों नहीं होती हम कोई ना कोई थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ यही रीजन है और कोई रीजन नहीं वो तो ओवर थिंकिंग मोड में रहते हैं आजकल सब लोग इसलिए हाँ तो जैसे ही हम ओवर थिंकिंग में कोई गलती नहीं है मतलब चिंता करने से समस्या चिंतन करने से कोई समस्या नहीं है चिंतन आप शांत करते हो बाकी जगह चिंता करते हो तो चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। तो जब हम चिंतन करते हैं तो बिल्कुल शांत मन से करते हैं। शांत मन कैसे मतलब जैसे विष्णु जी लेटे हुए हैं, वो शेषनाग वाला जो वो है लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं बिल्कुल शांत मन से चिंतन चल रहा है वो वहां पे चिंता नहीं है तो जब कभी आपको लगे कि आपको चिंतन करना है और खड़े हो करना है तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे रखिए जैसे कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं तो बांसुरी वाले पोज में खड़े हो जाइए जब आप खड़े हो जाएंगे तो आप चिंतन करना शुरू हो जाओ क्योंकि उस टाइम पर चिंता नहीं रहती है वो पोज में वो मुद्रा के अंदर ही ये पावर होती है गणेश जी के फोटो देखिए उनके पीछे वो गाँव तक यह लगा हुआ है वो आधे बैठे आधे लेटे हुए से वो चिंतन कर रहे हैं विष्णु जी भी वैसे ही आधे बैठे आधे लेटे हुए से चिंतन कर रहे हैं। चिंतन करना है चिंता नहीं करनी चिंता करेंगे तो हमारी सांस की गति पर फर्क पड़ेगा अनकॉन्शियस ब्रीदिंग रात को होती है सोते वक्त तो किसी भी व्यक्ति को सोते हुए आप देखें, वो अगर गहरी नींद में खुराटे मार रहा होगा मुंह खोल रखा होगा उसने तो उसकी सांस में पेट तक उसका इफेक्ट आ रहा होगा तो रात को जब हम नाक से नाभि तक नाभि से नाक तक अनकॉन्शियसली ब्रीदिंग करते हैं तभी हम सुबह उठकर बिना थकान के खड़े हो जाते हैं जी। ये पार्ट है तो आज का यहीं पे विराम करते हैं और कल जो है हम प्राण को प्रश्न उपनिषद से कनेक्ट करके इस पार्ट को कनेक्ट करेंगे